नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। CGL 2023 के जितने एस्पिरेंट्स हैं मेंस वाले, उनके लिए टारगेट सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, जिसका कि आज नियरली हमारा शायद 26th डे है। तो 26 दिनों तक आप सभी लोगों ने प्रॉपर टारगेट सीरीज फॉलो की है और 26वां दिन है आज। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग प्रॉपर टारगेट फॉलो कर रहे होंगे। तो 26 डे के टारगेट्स नोट कर लो। सबसे पहले उठते सबन क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें आप क्या करते हो 15 एडिशन, 15 मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर 1 से 60, क्यूब 1 से 30, परसेंटेज टू फ्रैक्शन और पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे मिलेगी, ठीक है। इसके बाद अगर आगे बात करूँ दोस्तों वोकैब की, 1 से 50 तक की वोकैब आज से वापस चालू हो जाएगी अपनी। एंटो सिनो इडियम वन वर्ड स्पेलिंग, ये 5 चीज़ें आपको पता है बहुत अच्छे से। इसके अलावा इन 5ों के आपको एक एक टॉपिक की वीडियो भी लगानी है। क्विज कहाँ से? कोई से भी हमारे प्लेटफॉर्म को उठा लीजिए, जहाँ पे फ्री क्विजेज मिलती हैं वहाँ से आपको फ्री क्विज लगानी है। कोई भी नया अगर वर्ड मिलता है, इडियम मिलता है, वन वर्ड मिलता है, उसको अपनी कॉपी में नोट करना है। आगे अगर इसके बाद बात करें दोस्तों, तो हम आते हैं अपने सेक्शनल पे। तो मैथ्स में क्या आता है हमारा? मैथ्स में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो 5 चैप्टर अगले कौन से? एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम और मिक्सचर एलिगेशन। इनके 2-2 क्विज आपको लगाने किसी भी हालत में, ठीक है। आगे बात करूँ इसके बाद इंग्लिश की, तो क्लोजेस्ट कॉम्प्रिहेंशन अगले 4 लगाने, PQRS 15 लगाने, सेंटेंस एरर और फिलअप ये अगले 15 लगाने। बोल परेशान हो गया, आपको पता ही होगा। रीडिंग मत छोड़ देना, रीडिंग का बोल नहीं रहा हूँ पिछले 5-7 दिन से, तो इसका मतलब ये हो कि रीडिंग छोड़ दो। रीडिंग बहुत जरूरी है, रीडिंग करना ही है 15 से 20 मिनट की डेली, ठीक है। आगे बात करूँ अगर इसके बाद दोस्तों जीके की, तो परमार SSC की वीडियो प्लस आज 6 वीडियो आपको स्टैटिक की रिवाइज करना है, और क्विज कौन सा लगाना है? हिस्ट्री और पॉलिटी का एक क्विज लगाना है, और जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे उसको नोट करना है, ठीक है। आगे बात करें इसके बाद अगर हिस्ट्री पॉलिटी के बाद हम आगे आ जाते हैं, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीजनिंग। 25-25 क्वेश्चन के 2 सेट लगाना है। कंप्यूटर के 3 क्विज कंपलसरी लगाना है, प्लस CPU के बारे में आप पढ़ रहे होगे, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखो ये 3 टॉपिक सेपरेट भी पढ़ सकते हो अगर कोई वीडियो आपको YouTube पे और पसंद आ जाए। ये नॉलेज के लिए ही है आपकी, तो नॉलेज के लिए पढ़ो, उसको समझो और क्विजेस लगाओ, बनेगी चीज़ें। तो अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। ये आज के टारगेट थे, कंप्लीट करके वीडियो के नीचे लिख देना भैया टारगेट कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।